बिहार के भोजपुर जिले में एक युवक ने पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। युवक ने जिले के कोइलवर प्रखंड अंतर्गत गिद्धा थाना पुलिस पर FIR नहीं लिखने और युवक के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को युवक के घर एक शातिर चोर ने 6 लाख रुपए की चोरी कर ली है। यह गहना युवक गिद्धा थाना क्षेत्र के गिद्धा गांव निवासी सतेंद्र सिंह की है। सतेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी की 2 दिन बाद हम लोगों ने पुलिस के पास पहुंचे, वहां पर थाना प्रभारी ने मेरा आवेदन फाड़ दिया था। इसके बाद दूसरा आवेदन हमने फिर दिया, नहीं सुनवाई होने पर हमने भोजपुर SP के पास जब पहुंचे तो मेरा मामला दर्ज हुआ, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने मेरे घर 6 लाख की चोरी हुई मामले की जांच पड़ताल नहीं की। वहीं सतेंद्र ने बताया कि इस मामले में DGP मुख्यमंत्री सहित कई पदाधिकारी और नेताओं को हमने पत्र लिखा और मेल भी किया है। एसपी साहब के पास जब मैंने जाके आवेदन दिया हूँ, ASP का जांच में दिए हैं, लेकिन अभी कोई उस पर एक्शन नहीं है। नथा एक्शन हुआ रहता तो चोर का कम से कम कुछ से जरूर मोबाइल का भी नंबर नहीं निकाला गया है, किसके नाम से सिम है वो भी नहीं डिटेल्स निकाला गया है। अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है। मैं DGP को मेल किया हूँ, IG को मेल किया हूँ, DIG को मेल किया हूँ, मुख्यमंत्री को मेल किया हूँ, मैं राष्ट्रपति को मेल किया हूँ, उस उपराष्ट्रपति को मेल किया हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मेल किया हूँ और बिहार के जितना मंत्री है सबको व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा हूँ। DGP का फ़ोन भी मैंने किया हूँ, 2 दिन बात भी किया हूँ और मुख्यमंत्री के पास भी मैं टेलीफोन नंबर पे फ़ोन किया हूँ, उनका PM। अभी तक समाधान नहीं निकला, अभी तक कोई समस्या का समाधान, कोई मेरा मदद करने के लिए अभी कोई आदमी आगे नहीं आया है। पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, पिता राधा कृष्ण सिंह, ग्राम पोस्ट गिद्धा, थाना कोइलवर, OP गिद्धा का निवासी। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।